نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين मुखलिस मुवाहिद मुसलमान बुजुर्गों, मेरे अजीज गयूर नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने हर इंसान की जिंदगी दे अंदर अपनी रहमत नो भरन वास्ते दुनिया ते बेआयब बेमिसाल पैगंबर भेजे। जिना मासूम पैगंबरां ने अपनी दावत और सीरत दी सूरत दे अंदर रहमत इलाहिया दे हुसूल दा तरीका समझाया, अल्लाह पाक ने ए बेमिसाल पैगंबर इस वजह तू भेजे कि जिस इंसान नो मैं रब ने अपनी चाहत दे मुताबिक सोहना इंसान बनाया है, ए मेरी चाहत वाला इंसान दिन कयामत दे जहन्नम दा बालन न बने। मैं रब दी लानत या दूरी नाराजगी हासिल ना करे, जिवें दा मैं रब ने इसनो सोहना बनाया है इन्ने ही दिन कयामत दे सोहना बन के आवे ते इनु ठिकाना भी सोहना नसीब फरमा देवा। जदा बनावन वाला भी ये चाहे कि मेरे प्यारे सोहने बंदे नो कोई खोण कोई दाग धब्बा ना लगे, तो इंसान नो सोचना ये चाहिदा है कि खुद रब नो ही अपने बंदे नाल कितनी प्यारो मोहब्बत है।
फिर उसनों सारे दाग ते धब्बियां ते ऐबा कोलों दूर रखण वास्ते या साफ करण वास्ते बेऐब बेमिसाल मासूम पैगंबर भी भेजे ताकि मेरा बंदा किसे मुगालते दा शिकार ना होए कि मैनू दसण वाला कोई ना आई, मेरी इसलाह करण वाला कोई ना आई, मैनू समझावण वाला कोई ना आई। तो अल्लाह पाक ने बेमिसाल पैगंबर भेज के उस दे इस एतराज नो भी खत्म कर दिता ताकि दिन कयामत दे फिर बंदा कोई उजर न पेश करे कि अल्लाह पाक मैं तो कोशिश कीती हाई मगर मेरी इसलाह करण वाला मैनू मिलिया कोई ना। तो तमाम बेऐब बेमिसाल पैगंबरां दा सैयद और इमाम बन के आया मुसद्दिकुल मुरसलीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह दे मासूम पैगंबर ने सिर्फ अपनी मुखातब कौम दी इसलाह दा दर्श नहीं दिता, ऐसी कामिल दर्जे दी सीरत ते किरदार मुकम्मल करके दिखाया कि क़यामत तक आवन वाला कोई बंदा अगर अपनी इसलाह और तरबियत दा शौक रखे तो उसका समान मेरा मोहम्मद पाक 1400 साल पहले तैयार करके गया। हुण जिहड़े असां तुसां लोग बैठे हैं या साडे दे बाद आसन या साडे तो पहले जिहड़े गुजर गए हैं कोई दिन कयामत दे ए नहीं आ सकदा कि अल्लाह साडे समझावण दा दुनिया ते कोई समान ऐसा कोई ना है जिसनु असा हासिल करके ते तेरी रहमत इलाहिया नो अपनी जिंदगी दे अंदर हासिल कर लवाया। अगर किसे बंदे ने दिन कयामत दे ए सवाल कीता भी सही हालांकि होना कोई नहीं उसका जवाब रब पहले ही अपनी कलाम मुकद्दस के अंदर बयान फरमा देता है। जदा ए हाल हाल पैसे ही अल्लाह ने आखना अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम क्या तेरे तक मेरे रसूलों का पैगाम कोई नहीं पहुंचया यतलून अलैकुम आयात रब्बेकुम क्या तेरे घर दे अंदर मैं रब दा कुरान कोई ना ही पहुंचया वयुनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाजा इस दिन दी हैबत तू तैनू डरावण वाले ने कुरान पढ़ के कोई नहीं सुनाया तो फिर एतराज या उजर पेश करने वाले दे पास रब दे इस सवाल का कोई जवाब हो सी कोई नहीं हो। भाइयो कोई काला है गोरा है अरबी है अजमी है मौलवी है या पीर है या मुरीद है या मुक्तदी है
रब दे हां सारे इंसान रब नू बहु प्यारे है। रब दे हां ए तकसीम नहीं के मुल्ला मैनू चोखा प्यारा है ते मुक्तदी थोड़ा जिया घट। अल्लाह फरमाता है असतब हैसियत इंसान दे तौर तखलीक फरमाया लकद खलक नल इंसान फी अहसन। मैं रब ने तो हर इंसान नो सारे तो ज्यादा सोना बनाया। हां अलबत्ता हुण अगर इस हुस्न जमाल नो कायम रखना है तो उदे वास्ते मैं रब दी रहमत दा होना जरूरी है, क्योंकि अगे भी तो तुहाडा वजूद मैं रब ने अपनी रहमत नाल ही बनाया, किसी दे वास्ते वसीलिया नाल नहीं बनाया। फी अय्ये सूरते मा शा आ रक्काबा, जिवें मैं रब चाहंदा हम उंज दा मैं रब ने तेरी शक्ल सूरत नूं डाले। तो भाइयो अपनी कीमती जिंदगी नूं डंगरा तरह ना गुजारो। जेड़ा रब बंदे नाल इतना प्यार करदा है कम अज कम बंदे नूं भी उस रब दा हया करना जरूरी है। मगर सानू मौलविया ने सबक पढ़ाया है कि साड़ी मस्जिद नूं चंदा दिओ, सानू कुल खानिया ते सड़ा लिया करो, साड़ी मेज उत्ते वेला सट सट के तुसा अपने गुनाह बख्शवा लै करो, बाकी जे मौलवी राजी हो गया तो अगला रस्ता खुद ब खुद आसान हो गया। भाइयो अगर मौलवियां दियां गल्लां ते इतबार करना जरूरी होंदा तो रब अपने महबूब दे मासूम दिल उत्ते नुजूल कुरान न फरमाईदा। सोहणे मुहम्मद दे सोहणे दिल दे अंदर अल्लाह ने कुरान नु जमा फरमाया। मेरी गल्लां ते नाराज तो नहीं होते पे, समझ आती पई ने? अच्छा फिरकियां दे अंदर ते जमातां दे अंदर तकसीम हो के साडा सतिया नाश कर दिता मौलवी लोगों ने। चलो होर ना सही, जदों दा पाकिस्तान बनया तकरीबन 76-77 साल हो गए, 77 साल दे विच असा इयो तकसीम ही होंदे आ रहे हैं जी, जमातां ही बनदियां आ रही हैं। दसो मुसलमाना नु केड़ी तरक्की मिली? बोलो तो सही ना यार, कई तरक्की मिली है? एक दूए नु पौले नहीं से खले मरेंदे तो फिर उन्ना जमात बनिया दसान केड़ा फायदा मिले? चलो जो जमात बनिया हन तो कम अज कम मुसलमान दी जिंदगी दे अंदर तो अमन ते सकून होना चाहिए, कम अज कम मुसलमान की चार दीवारी की इज्जत खुद उसकी अपनी इज्जत तो महफूज होनी चाहिए। इतनिया जमातां बड़िया हैं, कतलो गारत रुका है, डकैतियां चोरियां जिना शराब ये रुके है, सूद रुका है नहीं रुका? जेड़े 77 साल पहले जम्मे हैं आज वो 77 दे होए बैठे हैं, उन्हां कोलों पूछो जो 77 साल दी जिंदगी दे अंदर तू केड़ा तजर्बा हासिल कीता है? तू तो सारी जमातां नूं वेख्या है, तैनू किदा ही नफा नजर आया?
ते जे बंदा सड़ा के 77 साल दे बाद ते 80 साल दे बाद भी तैनू रब दे कुरान आले पासे आवण दा मौका नहीं मिलिया ता इस तो वड्डा बदबख्त खुदा दी मखलूक जो होर कोई नहीं। मालूम होंदा है के फिरकियां ते जमातां जितनियां बढ़ दिया वैसे नाम निहाद मुसलमान तबाह हो बर्बाद हो। अगर मुसलमान दी इज्जत ते आबादी और उसकी जिंदगी दे अंदर रहमत नो भरण दा दिन क़यामत तक खजाना आया है तो सिर्फ रब दा कुरान आया। यार तुसा समझदार लोग हो, फैमिली वाले लोग हो, चलो ज्यादा नहीं लोग दे हालात तो वाकिफ तो कम अज कम जेड़ा वालिद होंदा है घर दा तो सरबराह होंदा है, उसनू अपनी औलाद दा पता नहीं होंदा, उनू पहले ही पता लग जांदा है कि मेरे इस पुत्र दा क्या मिजाज है, उसका क्या है, मेरी धी दा कैसा मिजाज है। चार पांच बंदे घर दे ते एक प्यो उन्होंने तरबीयत करे, एक बाप उन्होंने हैंडल करता है, तो जब उन्होंने वो घर के अंदर तरबीयत करेंदा है तो वह घर पुर अमन ते पुर सकून गुजरता है। इंजे है कि नहीं? तो ये कुरान तो सारी दुनिया का रहबर ते रहनुमा बन के आया है। बाप दी अगर बंदा तरबीयत हासिल करे तो उस घर विच भी बद अमनी नहीं आ सकती। कलमा पढ़ के बंदा अगर कुरान की मुखालफत करे हर मुल्ला दी चौखट ते बांधा है, मगर घर दे जाले च रोंदे हुए कुरान नु छंड के वेखड़ा भी गवारा नहीं करे। पता है दिन के अहमद ने सब तो पहला जेड़ा शिकवा मोहम्मद पाक ने करना है वो तो इहो करना है, काल रसूल या रब, रसूलुल्लाह ने आखड़ा या रब इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कौम का सब तो बड़ा जुर्म ये है कि इस मेरी कौम ने मैं रब दे दिते हुए कुरआन की इज्जत कदर बोलो महजूरा। मुफस्सरीन ने दे बड़े मुख्तलिफ मानी लिखे, इनू अगर हिजर को लिया जाए तो मतलब यह महजूर आ इन्ना मुड्डू इस कुरान नु रब दी किताब समझे ही नहीं। हिजर दा माना होंदा छोड़ देवना, पिछा मुड़ के नवे नबी पाक मक्के चू मदीने के फरमाई है हिजरत फरमाई महजूरा। ए इंज रब दे कुरान तो मुतनफिर हो गए हन के ए पिछा मुड़ के कुरान नु खोल के वेखना भी गवारा ना करे। अल्लाह दा वास्ता नाराज नहीं होना, नाराज ना हो सो जेड़ा कुरान दे मुकाबले च फजाइल अमाल चाहिदा है वो कुरान देर हट के वेद है। बोलो यार सारे बोलो, वो कुरान देर वेद है ना, उन कुरान दी गल करे सो इंज मलूम हो सी इन 420 द वोल्ट द करंट लग गया उफल के ऑक्सीजन रखो, इसकी जरूरत नहीं है। मुल्ला लोगों ने फतवे दे दिते हैं कि कुरान पढ़ सो तो गुमराह हो गई, तो फिर इस बंदे दा कुरान नाल है ताल्लुक ते अल्लाह दे रसूल ने दिन के अम्मत दे इहो शिकवा करना है इन कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, या रब इस कौम ने सब तो ज्यादा दुनिया ते जुलम ते ज्यादती कीती है ते तेरे इस कुरान नाल कीती है। चलो ठीक है, मोह तेरा दावा तबलीग भी बाद ही सही करें इंशाल्लाह।
एक बार साडा दावा ते तबलीग कुरान दा सुन लै ते पिछे तेरा भी सुन ली जा। अल्लाह दे कुरान दे मुकाबले दे अंदर सोने मुहम्मद पाक जैसा दिन कयामत तक कोई आ सकता है? हुण बोल ना सिर हला, आ सकता है नबी पाक जैसा? सोने मुहम्मद जैसा दिन कयामत तक कोई आ सकता? ते ए कुरान कई दुते नाजिल होया? सुभान अल्लाह, मुहम्मद सोने दे दिल। बोलो ना यार, ए कुरान कई दुते नाजिल होया? अल्लाह ने ए विखाया ना मुहम्मद जैसा कयामत तक आ सकता है, ना कुरान जैसी किताब दिन कयामत तक आ सकता है। सुभान अल्लाह। ते जे सोने मुहम्मद पाक दी खत्म नबुव्वत दा इनकार करे ता असा उन्हें मुसलमान समझते हैं? नहीं। क्यों? जो खत्म नबुव्वत दा एलान रब दे कुरान ने कीता है, तो जिथे रब दे कुरान दे एलान दी मुखालफत करे तो वह मिर्ज़ई बन गया, काफिर बन गया। ते जे कलीमुल्ला करे तभी वह जमुआ है ते मुसलमान है। मैं अपना ना लेना मत थोड़े ढेडे पीड़ पवन लग जाए। मैं अगर कुरान की मुखालफत करा तो मैं अजय मुसलमान हाँ। उन्हें एक आयत का इनकार किया है, उसनों साड़ा आईन काफिर आदा है। आईन क्यों आदा है? क्योंकि पहले इस्लाम के आईन ने उन्हें काफिर आख्या है। क्योंकि इस्लाम का आईन केड़ा है? कुरान पाक है, कानून की किताब है, तो रब का कुरान है। जदा रब दे कुरान ने भी उसनों गैर मुस्लिम आखे है, फिर होर दुई दुनिया उन्हों आखे ते भावे ना आखे, रब दे कुरान दे फैसले नू चैलेंज कर सकदा ही कोई नहीं है। चलो खैर, बहरहाल इमाम उल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दिल नू सकून मिले ही ने तो उच्चा च पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दा मासूम पैगंबर जे दिन कयामत दे तेरे मेरे खिलाफ एक गवाही ते शहादत च दिती, अपनी अमानत दयानत नाल दस के फिर उत्थे वल कोई हे जेड़ा सानू रब दे खलिया तो बचा ले जी? नहीं। तो इस वास्ते अल्लाह दे कुरान ने खुद ही रहमत दे हुसूल दा तरीका बयान फरमाया, ताकि बंदा ना दुनिया ते खले झले ते ना आखरत झले। साड़ी औलाद होवे ना ते असा उहदे वास्ते कोई बैंक बैलेंस तैयार करने की कोशिश करें भी अगर मैं मर भी वञा तो पिछू मेरी औलाद औखी ना हो। देख लो इतना औलाद दा प्यो दे दिल च दर्द नहीं है जितना रहमत इलाहिया दे दिल च दर्द इस इंसान दा है। अल्लाह ने ऐसा समान तैयार फरमाया है ताकि दिन कयामत तक कोई मेरा बंदा मेरी रहमत तो महरूम हो। فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ جڑے آمنوا بِاللَّهِ ایمان کدے اُتے لے آئے چھ نمبر دی سورت ہے मत्थे ते इंज वट पाई बेटा मलो मत हुणे मैनू खांदा है। फअम्मल्लज़ीना आमनु बिल्लाह, अल्लाह नाल ईमान ले आया है। किवें ले आया है? उसने दिल दे अंदर टिकाया है ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मुसलमानो, जे तोड़ी शिरक दी बंदा नफी ना करे ओ त
तोड़ी बंदे दे दिल दे अंदर तौहीद इस बात वाला मसला आंदा नहीं है। तौहीद ता इत्थों शुरू होई है जदा अल्लाह के इल्लल्लाह, मगर शिरक दी नफी पहले अल्लाह ने फरमाई के पहले मनना पौना है ला इलाहा जेड़े सिफाते उलोहियत नाल ढुकड़ वाले कमालात हैं उन्ना दे अंदर ना कोई नबी शरीक हो सकता है, ना कोई वली शरीक हो सकता है, ना कोई जींदा ते ना कोई मोया, ना कोई फिरश्ता ते ना कोई नूरी ते नारी। जदा सारे दा इनकार बंदा कर लै उस वक्त अल्लाह आता है होर दिल च बहा के आख इल्लल्लाह। सारे कमालात दा मालिक कौन है बोलो ना। इयो ला तो तकलीफ देंदा ही अबू जहल, वरना अल्लाहुम्मा अल्लाह 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 ए विरद मक्के दा मुशरक भी करेंदा है। इत्थू तक भी मंदा है मन यरज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, ओ तुहानू रोजी देवण वाला कौन है। अबू जहल आदा ही फसा यकूलून अल्लाह, साडा रोजी रसान कौन है। अपने ईमान नाल दसो अज दा मुसलमान मनेंदा है मगर वत भी उन्ना मुखालफत क्यों की मुहम्मद पाक दी। ओदी वजह ए है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मसाला ए बयान फरमाया है के पहले शिरक ते कुफर दा इनकार करना जरूरी है। पहले शिरक ते जलालत दी नफी करना जरूरी है। खाली अल्लाह मालिक राज़िक मन्नण नाल रब दी तौहीद अंदर नहीं आंदी। अल्लाह ने इसे वजह तो फरमाया है فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جِنَّاں دے دل وچ کامل یقین پیدا ہویا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے، پردیاں چوں سنن والا کون ہے، پردیاں چوں ویکھن والا وی کون ہے، پردیاں چوں دیوناں تے دے کے لونا ए भी कमाल कहिंदा है। इसे वास्ते अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है मोमिन बंदे दी निशानी ये है मा कान ले मोमिन वला मोमिन तेर इजा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जदा रब दा फैसला आ जावे इज़ा कज़ल्ला कज़ा काजी फैसला ते फैसला करण वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा इज़ा कज़ल्ला जिथे रब कज़ा कर दे रब फैसला कर दे वल्लज़ीन यदऊना मिन दूनिही ला यकज़ून बिशयइन। अल्लाह फरमांदा है जिथे कज़ल्ला फैसला रब चा फरमावे ला यकज़ून बिशयइन मैं रब दे फैसले नू त्रोड़न वाला जमिया ही कोई नहीं आए। मैं रब दे फैसले
मसले नो चैलेंज करने वाला जमी कोई नहीं है। अल्लाह फरमांदा जदा मैं रब फैसला कर देवा इस नू मैं जवानी च मारना है, इस नू मैं बे औलाद रखना है, इस नू मैं 120 साल तोड़ी रुवाई रखना है, इस नू मैं इना बलदे हुए अंगारियां ते लिटवाना है, इस दे मैं बच्चियां नू ज़िबा करवाना है, इस नू मैं वतनू बेवतन करावना है, इस नू मैं भुखिया रखना है, इस नू मैं जन्नत दे अंदर ले वैना है, इस नू मैं मौलवी बनावना है, इस नू मैं आलिम बनावना है, ते इसने वाल हाथ कड़ियां त पैन लवनिया है, इनू जहरा खवाया जावनिया है, एदे कतल दे मनसूबे भी बनाए वैने, एदी सारी दुनिया भी दुश्मन होनी है, मगर लोगों ने आखना है इसने एड़िया रगड़दिया जेल च मर जावना है। मगर अल्लाह फरमांदा इज़ा कज़ल्ला, मैं रब जदा फैसला कर देवा मौलवी भावे जमीन ते नक भी रगड़े रह जावे, मैं अपने मुखलिस मुवायद मुसलमान नूं बाइज्जत दुनिया ते बरी कर छोड़ेंदा। अल्लाह फरमांदा मा काना लिल मोमिनीन वला मोमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन तो जिथे मैं रब दा फैसला आ जाए उथे वाल बंदे मुसलमान की अपनी मर्जी नहीं चलती, क्योंकि मोमिन दा ईमान इयो होंदा है कि मेरी जिंदगी दे एक एक साथ फैसले चलावन वाला कौन है। लिहाजा अल्लाह फरमांदा है ओ उन्हें तुरदा है जिवें मेरा कुरान आखे, ओ उन्हें रोंदा है जिवें कुरान आखे, ओ खुशियां उन्हें मनाईंदा है जिवें कुरान आखे, ओ तुरदा है खांदा है पींदा है रहना है सहना है, ओ जड़ी जड़ी भी हरकत करेंदा है रहनुमाई मैं रब दे कुरान तो हासिल कर रहा होंदा है। लिहाजा अल्लाह फरमांदा है जे वल भी दावा करे के मैं मुसलमान जेड़े बंदे ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी ना फरमानी कीती, अल्लाह दे कुरान नू कंड कीती, इस कुरान दे मुकाबले दे अंदर रिवायता ले आया है, हिकायता ले आया है, फतवे ले आया है, अकाबरां नू ले आया है, बजुर्गां नू ले आया है, मुहम्मद दी सुन्नत दे मुकाबले दे अंदर कुल खानियां ते यारवियां ते तीजे ते साते वालियां बिदता घड़ घड़ के ले आया है। अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे फैसले नू कंड करण वाला होवे फकद जल्ला जलालम मुबीना, फकद जल्ला जलालम बाईदा, ओ एडी दूर दी खाई दे अंदर डठा है उत्थे ही गल के त मर सकदा है, मैं रब कदी हिदायत नहीं देवणी। ये फैसला कहिंदा है कुरान, ये रब दे फैसलियां दी किताब है, ते वल अगू अल्लाह फरमांदा है मेरा सोना मुहम्मद पाक मैनू तेरे ते एतमाद है, दुनिया तेरे नाल रहे ते भावें ना रहे तू मेरा मुहम्मद पाक मेरे कुरान दे खिलाफ कोई कदम भी उठांदा नहीं है। इस वजह तो अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिक, मेरा मुहम्मद मैनू तेरे रब होवन दी कसम है, व रब्बिक रब कसम पे आ जाए। अच्छा हूँ रब नू कसम चावन की क्या जरूरत है, रब दी तो हर बात ला रहा है, हर बात ला रहा है ना, उसे तो शक की गुंजाइश ही नहीं, मगर रब फिर भी कसम चाहता है। कुरान पाक के अंदर कई जगह उत्ते अल्लाह ने कसम उठाई हैं,
हवावां दियां कसमां चाहियां, सफ़ा दियां कसमां चाहियां, बदलां दियां कसमां चाहियां, बारिशां दियां कसमां चाहियां हन, हर पासों कसमां चाहियां, हत्ता के एक मौके ते सोड़े मोहम्मद दी जवानी दी भी रब ने कसम उठाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह दा लाम रुख, मेरा सोना मैनू तेरी जवानी दी कसम है, अल्लाह दा वरब मैनू रब होवण दी कसम है मेरा मोहम्मद। ला युमिनूना, इस बंदे च ईमान नहीं आ सकदा। केड़े बंदे च? जिथे उन्हों का इख्तलाफ पिया खलोता होवे ते युहक्के मूक, ते मेरा मुहम्मद तू उन्हों के दरमियान मेरे कुरान नाल फैसला फरमावे। कड़ी शह नाल फैसला फरमावे ते फिर तै मुहम्मद पाक का फैसला होया फिर टुर पवे किसे मुल्ला या अकाबिर वाल। मैं रब कसम चा के आधा पे आऊं कि ए बंदा तेरा दुश्मन है, ए मुसलमान नहीं है। ला युमिनून, इस सच ईमान ला युमिनून दा मौलवियों को मानना चा पूछो, ला युमिनून दा के मानना है? साड़ी बोली जखी दा बेईमान खींदा है ईमान। ला दमाना नहीं, यो मेनून दमाना ईमान। अल्लाह दा ऐसे जी ईमान कोई केड़े मुजरिम दे जेड़ा मेरे मोहम्मद दे फैसले नू मनदा। बोलो मेरे महबूब दे फैसले नू जेड़ा नहीं मनदा ओ ला यो मेनून ओ सच ईमान कोई नहीं है। हुण इहदे विच तवील दी गुंजाइश ही कोई नहीं, इह तां तर्जमा है। मैं किसी मुफसर का हवाला तो नहीं दिता, साफ कुरान की आयत का तर्जमा है। ते ए ओ फतवा है जेड़ा फतवा रब कसम चा के पे लैंदा है। ते इहदा माना ए होया कि जेड़ा नबी का फैसला न मने सी अल्लाह प्यादा मैं अल्लाह होवण की कसम चा के पे ना ए काफिर रही आ। ते जिन्हू अल्लाह कसम चा के काफिर आके ओदे मुसलमान होवण दी कोई गुंजाइश नहीं। कुरान मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा सख्ती नहीं की थी, आखो जहा सख्ती हुई है। मुसलमान बंदे दा कुरान सुन के दिल ठरदा है। ऐ वेख्या ने ऐ फतवा ठोकिया ना रब दे कुरान ने, इहो तो असा पढ़ के सुने ते लोग अंदर बड़ी सख्ती करे दे दे। बड़े मुतशद्दद हैं, ये तो मियाँ फतवे की मशीन चाहिए दे। ये लफ्ज उहो बोलता है जिदा रब दे कुरान ते ईमान कोई नहीं होता, पक्का ठक्का काफिर होता है। ओ सच रत्ती भर भी कुरान दी गैरत है कोई नहीं होती। ये हुण फतवा मैं लाया है, ये अल्लाह पे लाया है। हत्ता यू हकीमू कफीमा शजर बैनहुम, जेड़ा मुसलमान है वो मेरे महबूब का फैसला सुनने के बाद उसने कितने काम करने चाहिए? बोलो बोलो यार। सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम महाराजा, मेरे सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह दे फैसले नू सुनन दे बाद हाराजन दिल उदा खुश होवे, उदे दिल नू तकलीफ ते हर्ज ना होवे। ला यजदू फी अन्फुसिहिम हरजा, मोमिन बंदा रब दे कुरान आले फैसले नू सुन के
ओदे दिल दियां मर्जां दूरों दियां एन, ओदे दिल दियां परेशानियां दूरों दियां एन, क्योंकि कुरान परेशान करन नहीं आया बल्कि परेशान नु इत्मीनान देवन रब दा कुरान आया। लिहाजा अल्लाह फरमांदा है मुमिन बंदे दी निशानियां है कि जूं ही रब दे कुरान अल्लाह फैसला सुनदा है ओदे दिल बाग बाग हो वेंदा है, कोई तकलीफ नहीं आती, कुड़नोस नो नहीं आती, इंज भी नहीं सोचेंदा हाल होए मैं मारिया गया मेरे लखां दे नुकसान हो वैने, जे मैं रब दे कुरान दे फैसले ते खलो रहा बल्कि दुनिया दा माल दौलत तो अपनी जगह ते रह गया रब दे कुरान दे फैसले दे सुनन दे बाद मुमिन खुशी खुशी अपनी जान भी देवन नू तैयार होंदा है, मगर सोने मुहम्मद दी जबान नू छोड़ना या कंड करना मुमिन कदी गवारा कर सकदा। एक दूए नंबर ते मुसलमान दे जिम्मे दुआ कम केड़ा है वयुसल्लिमु तस्लीमा, सिर्फ जबान नाल या दिल नाल इकरार ना करे, सिर्फ दिलों मनन नाल भी काम नहीं चलदा बल्कि वयुसल्लिमु तस्लीमा, बल्कि मेरे मुहम्मद पाक दे कीते होए फैसले दुते अमल करना भी शुरू कर देवे, यानी जदों पता लग्या है फेलो हो वा तरको हो सुनना तो सोने महबूब दा काम करना ओ सुनत, ते जिस काम नू नहीं कीता ओदा ना करना। बोलो जेड़ा कीता है ओदा करना सुनत, जेड़ा नहीं कीता ओदा। लिहाजा थक दे तने पे शाम थोड़ी बैठे रहवा है पढ़नी इससे कोई नहीं जेड़ा आता बैठे थे फैलो हो तरकु हो सुनना तोल, जेड़ा काम सोने मुहम्मद ने कीता है ओदा करना सुन्नत, जेड़ा नहीं कीता ओदा ना करना सुन्नत। अल्लाह फरमांदा है जदा मेरे महबूब ने फैसला फरमाया है हुण ओदे उते अमल करके भी खावना है, इंज नहीं होना तू आखे मैं दिलों तौर ते मन्नी वदा के नबी पाक दी दाढ़ी रखावना सुन्नत है, ते वल दिल दे अंदर तमन्या आई मगर वायु सल्लिमो तस्लीमा वल ओदे उते इत्थे हुण खाड़ियां ढेलियां हो गई रहे घर। अल्लाह तुहानू तौफीक देवे। बदअमली इंसान को हो जाती है मगर जे दिल च इखलास होवे न एक दिन उस ईमान दे इखलास दी वजह तो अल्लाह पाक उस मुसलमान नू कामिल मुसलमान जरूर बना देता है, मगर अंदर इखलास होवे तो फिर उसकी बरकत नाल एक न एक दिन अल्लाह उदी बदअमलियां सारियां खत्म कर। وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ओदे उते अमल भी करके भी खावे, क्योंकि सोहरे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कुल इन्नी उमर तो أنا أكون أول المسلمين ओलोगो इन्नी उमर तो मौली साहब तले ले गए
قل انی امرتو محفل قرآن دی ہے کوئی گویت آیا کوئی بیٹھا قل انی امرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین قل مینو اللہ نے فرمایا ہے کہ بولو میرا محمد قل بولو ختم الرسل بولو سید الرسل بولو امام الرسل بولو سید السبل حضرت علامہ محمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں قل بولو میری باغ نبوت دا انمول پھل اللہ فرماندا قل بولو میرا محمد الرسول اللہ دنیا نو اے سمجھا دے انی عمر تو میرے اوتے امر تے آڈر تے حکم چلاوان والا کون ہے میں محمد کس دے آڈر دا پابندا جویں جویں اللہ مینوں امر تے حکم دیندا جا رہا ہے میں اندر وی رکھی ویندا ان اکونا اول المسلمین سب تو پہلے رب دے حکم دتے عمل وی کر کے میں محمد وکھاون والا اس واسطے فرمایا ہے انا اکون اول المسلمین جویں جویں رب دے قرآن دا حکم آندا ہے اونیں اونیں میں محمد عمل کر کے وی کھیندا جا رہا اللہ نے مینوں حکم فرمایا ہے فاستقم کما امرتا کما امرتا عمر تو کما امرتا اللہ دا پیغمبر آدائے میں محمد تے امر تے حکم چلاون والا کون ہے ایتھے اللہ دا قرآن فرماندا ہے فاستقم کما امرتا اے میرا سونا محمد جدا تیرے اوتے ساڈا حکم آ جاوے مینوں پتہ ہے کہ جدا تو میرے قرآن دا حکم دنیا نو سناون ہے اس وقت تیری جان نو ہی خطرے پونے لوگاں تے نے اوتے بکواسات خرافات لغویات مغلظات بکنے شروع ہو وینے لوگاں نے تینو ساحر آکھنا ہے لوگاں نے تینو کاہن آکھنا ہے تینو شاعر آکھن والے ہو سن تینو مجنون تے پاگل تے دیوانہ تے کذاب تے عشر وی آکھن والے ہو سن کئی انیرے دے جمے ہوئے تینو مسحور وی آکھن والے ہو سن مگر میرا سونا محمد پاک فاستقم کما امرتا جویں جویں تے محمد تے میرا حکم آندا جاوے ڈٹ کے رویں میرا محمد پاک دلی پلی سی نہ پہ اختیار کرے اج جے تو ڈھلا پن چ وکھایا میں رب دے معصوم دین دے اندر ڈھلا پن آوینا ہے لہذا ڈٹ کے مقابلہ کر میرا محمد دنیا تیرے نال رہے تے بھاویں نہ رہے فاستقم کما امرتا جتھے میں رب دا امر تے حکم آ جائے ساری برادری نو وی کنڈ کیوں نہ کرنی پے جائے تاں وی ساڈے قرآن نو چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے اللہ خان ملتانی فاستقم اے سونے محمد دی سنت پہ تیار ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میرا سونا دین وچ لچک نہیں رکھنی میرے پیغام دے اندر کمزوری آون نہیں دیانی مینوں پتہ ہے فاذا قرانا ہو اسیں یہ مٹھ بھر کے تے آیت دی چاہ کے تیرے دل وچ نہیں سٹیں دے قرانا ہو پہلے میں او آیت چاہ کے میں رب آپ پڑھنا میں پڑھنا مینو پتا ہے کہ جدہ اے حکم وینا میرے محمد تے کے گزارنی ہے مخالف تے دشمنہ نے میرے محمد نال کیسا برتاؤ کر رہا ہے اللہ دیا نظر آج تا کوئی شاہ نہیں نے چھپی ہوئی اللہ فرمانا مینو پتا ہے جڑے حالات جی تو گزرنا ہے
मगर चाहे जैसे भी हालात होवेन फत्तबे कुरान हो किसे सूरत जी कुरान दी इत्तेबा छोड़ने दी गुंजाइश है नहीं। अपनी अमानत दयानत नाल दसो आज मौलविया दा कुरान नाल इतना ईमान है तुसा तो मौलवी कोई नहीं करम आलो डर दे क्यों तुसा तो सिर इंज इंज करो जा मैं गल मौलविया नहीं पिया करें मौलविया दा इंज दा हे ताल्लुक ते मोहब्बत रब दे कुरान नाल ये सुन्नत तैयार रब अपने हुक्म नाल मोहम्मद दी सुन्नत तैयार पिया करे अल्लाह दा फसक है पहली सुन्नत ए है जेड़ा मौका पहले दिन तो रखे ही उस सच लचक नहीं लिया डट के रह मेरा मोहम्मद जद डट के रसे तो फिर एक वक्त आसी तू घर बैठा उसे ते मैं रब आप तेनु सड के बशारा देसा इजा जा नसरुल्लाह इजा जा नसरुल्लाह ओ मेरा सोना घबरा नहीं और रब दी नुसरत तेरे उत्ते छा पई करे दी है कैसी वल फत हो जेड़े घर विच अगले तेनु तंग करके कढ़िया आई आज वेख ले ओवे आप सिर झुका के बैतुल्ला दी चाबी ते मोहम्मद दी तल्ली दे पै रख दे वल फत हो तेनु फतह भी करा दीती है ते वल वेख आज हुण तू आराम नाल बैठा रहो इथे तैनु हुण इद्या ते जावा दी जरूरत ही कोई नहीं रई तन्ना सयद खुलो नफी दीन अल्लाह अफवाजा वेख सा फौजा दर फौजा तोर के ते मोहम्मद दे दीन च दाखिल करे साए ए नतीजा केड़ी शय दा निकलया है ए जड़ी सुन्नत तैयार कीती है फस्तखिम जेड़ा मौका पहले दिन तो बयान कीता है आखिर तक ते मोहम्मद दे मौका फे लचक नहीं तो डट करे तो कामयाबी इस चीज जेड़ा आज तू तस्बी पकाई वदा है ना सारे कलमा गो मुसलमान है जिथे कोई लगा पे है क्यों ये कोई गुड़ पे बढ़ता है इत्थे रब दी रहमत बनी दी पई है मैं पहले समझाया है कि अगर दुनिया और आखरत दी जिंदगी कामयाब चाहना है तो उदे वास्ते रब दी रहमत दा होना यह गल नहीं समझाई तुहानू ते रब दी रहमत दा खजाना केड़ी शै है सारे बोलो मुसलमानो रब दा कुरान है मेरा ख्याल आओ तुहानू एक छोटी जी मिसाल च सुनाइए ताकि मसला मजीद मजबूत हो जाए जेड़ा बंदा रब दे कुरान दे फैसले ते वंजे डट अल्लाह दी कसम है मैं कोई फजैल दी दुनिया च नहीं रहा कुरान याद है कि जेड़ा डट वेंदा है ना ओनू इतना ही चलदियां फिरदियां दुनिया दी जिंदगी दे अंदर ही मैं अल्लाह उसनू जन्नत दी बशारत सुना छोड़ेदा मरसी तो जदन पे मरसी ना मगर जेड़ा कुरान ते डट गया है अल्लाह दा इतना ही चलदे फिरदे नु मैं ना ओ लोगो जे जन्नती वेखड़े ही ने ते ए बंदा होइंदा वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हन तो सही उच्चा जो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हन ते इन अचानक दूरों नजर पियो ने एक सफेद चादर दे अंदर लिपटे होया बंदा पे आंदा हा अल्लाह दे रसूल ने उन्हें वेख के आख्या ओ लोगो जे कहनू दुनिया ते जन्नती वेखणा ही ने तो ओ बंदा आंदा पे आई ने जन्नत दी बशारत रब देवे ते अग्गा पैगाम रहमतुल्लिल आलमीन पे देंदा होवे रब भी ओनू जन्नती आखे ते सोना मुहम्मद भी ओनू जन्नती आखे ओ दे ते जन्नती होने च शक करण वाला ही किरार होया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा जड़ा आ रहा है ए बंदा जन्नती है ए आज भी हक ते है मेरे टुर जावण दे बाद भी ए हक ते रहा एक बंदे आखे यार बड़ा को खुश नसीब बंदा है कि जिंदी कंड पिछू मुहम्मद बैठा बशारता देंदा उठी के दौड़ पे
दौड़दा दौड़दा गया ओजू आंदा पिया हाई तो चादर उत्ते सफेद लपेटी हुई आई चेहरा वह नज़र आंदा कोई ना पिया उस पिछू वंज के ओदे मोढ़िया ते हाथ रख के ते इंज परता के ओदा मुँह सोने मुहम्मद वल कीतोस ते आखन लगा या रसूल अल्लाह इहो बंदा जिहदे बारे पया थे जो जनती है अज भी हक ते ते कल भी हक ते होना है। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया नाम 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 हा 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 मैनू पता है मैनू विखा नहीं मैनू रब पहले दस छोड़िया है कि ए मेरा यार उस्मान वैंदा वेखदा है। सुभान सोड़े मुहम्मद पाक ने आख्या ए उस्मान है और इस उस्मान दी जन्नत दियां बशारतां दियां थुम्मा रब ने अर्श दे पा छोड़ी है। सुभान वो केड़ा खुश नसीब बंदा है ते अल्लाह फरमांदा है अब शेरु बिल जन्ना ओनू बशारत रबी थाई दुनिया ते जन्नत दी दे छोड़दा है। अल्लाह शाला सानू भी ये मौका नसीब फरमाए आमीन आखो चा करो वाले क्या पता भावें तुहाड़ियां खाड़ियां रगड़ी होईयां या हैं मगर दिलो अज आमीन चा आखो तो अल्लाह गुनाह माफ चा फरमाई सी आखो चा आमीन अल्लाह शाला सानू दिन कियामत दे जन्नत भी देवे ते जन्नत च सोने मुहम्मद दी संगत भी नसीब फरमाए जन्नत दा मिल जाना ए भी रब दा फजल है मगर जन्नत च सोने मुहम्मद दा दीदार दा हो जाना ए सोने ते सुहागा है। खैर बहरा अल्लाह करीम ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता डट के रह मेरा सोना मुहम्मद पाक तैनू कज़ाब आखण वालिया ने भी तेरे उत्ते फतवे लावणे ते ए कोई एक दो बंदे तेरी मुखालफत करण वाले नहीं ए ढेर दुनिया जो पई इन्ना चूहा तक नस्लां निकलनियां हैं उन्ना भी अपने प्यो दादे दे मजहब दे मुताबिक तै मुहम्मद नू मशहूर मनना है इस वजह तो नहीं हो जो तो वजह समझ गल दी नहीं आई उन्होंने भी तैं सोने पैगंबर नू मशहूर आखना कि इहदे उत्ते जादू का असर हो गया माज़ल्ला जादू की वजह तो ओहदा दिमाग टिकाने ते कोई ना रहा मेरा सोना पैगंबर इंज दे नारे लावण वालियां दा तेरे नाल ताल्लुक बोलो यार ओ तेरे मनन वाले ओ तेरी जमात चराण वाले उन्ज़ुर कैफ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا او میرا پاک پیغمبر جیڑا تیرے اُتے مشہور والیاں مثالاں فٹ پیا کردا ہے فَظَلُّوا ओ पक्का गुमराह जल्लू जलालत ते जलालत दा माना गुमराही कुरआन हिदायत देंदा है ते कुरआन दे उलट जलालत मिलदी जलालत नू मिटावण वास्ते हिदायत दा होना जरूरी ते हिदायत दा खजाना केड़ी किताब है ला रईब फीहे अल्लाह फरमांदा है क़यामत तक हिदायत दा खजाना रब दा कुरान आया है लिहाजा जेड़ा तैं मुहम्मद रसूलुल्लाह नू मशहूर पियादा है फ़ज़ल्लू उस दा हिदायत नाल जोड़ तो कुरान दी समझ आ रही है ना इस दुत्ते डट बने है
बबल ना बनया बे जिदे तुहानू कोई छिकी वंजे उदा ना जिथे कुरान खलारे मुसलमान उथाई खलो डट जा जिंदगी ते मौत दे फैसले तक कह कर ले अल्लाह ने ते रोजी दा भी जिम्मेवार कौन है अल्लाह है फिर डर किस बात दा इस वास्ते असहाबे पैगंबर नु अल्लाह ने फरमाया फला तक्षौहुम वक्षौन ए वड्डे वड्डे नंबरदारा ते सरदारा तू मत डरो मेरा दिल च डर रखो मेरी फरमा बरदारी करो वक्त ते फिरौना दा नामो निशान तो मैं रब मिटा देसा मगर मोमिन बंदे दी इज्जत ते तुल्ले नु अल्लाह नीलाम कदी नहीं हो बर देना वक्षौ दुनिया तू ना डरो दिल च डर रखो तो कहिंदा इहो डर तो उन्ना रखया ते अल्लाह फरमाया रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहु जालिका लिमन खशिया रब्बा दिल च रब दा डर रखया है अल्लाह दा मैं उन्ना दी हर अदा नु पसंद फरमाया तो जेड़ा बंदा डट जावे अल्लाह फरमांदा है साडा फिर वादा है के उस बंदे दी इज्जत ते अजमत च मैं रब फर्क आवण बोलो अल्लाह दे पाक पैगंबर गुजरदे पयान अबू जहल हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अना ओदे उते जुल्म सितम खला करेंदा है बड़े बड़े शुरते उत्ते खड़े करके ते ओनू कोड़े खला मरवाइंदा है मरेंदियां मारदियां ओ पहले तो रोंदी रह गई जिस वक्त मार मार के थके आए अबू जाल नेड़े आया है सुमैया दे चेहरे ते थप मारी इतनी जोर दी मारी कि ओदा चेहरा दुए पासे फिर गया है जो ही दू थप लगी है इदे मुंह फिरे है ता अचानक परले पासो गुजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दौरिया जो ही मुंह फिरे आए से नजर सूरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते पई है उसनो अबू जाल दिया थप्प दा भी ख्याल कोई न रहा सोड़े मुहम्मद दा दीदार करण दे बाद ओ रोण दी बजाय मुस्कुरावण लग गई अल्लाह दे पाक पैगंबर ने वेख्या ते फरमावण लगे फसबिरी या सुमैया ओ सुमैया सबर नाल रवे इस्तकामत नाल रहे डट के रहे जद अल्लाह दा पाक पैगंबर दा चेहरा सामने होए ते सोना मुहम्मद ओनू पिया समझाइंदा होए ते नाल नाल अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया तू इस्तकामत नाल रहो मैनू अल्लाह नाल उम्मीद है दिल कयामत दे तू ते मैं इन्हें जन्नत च कट्ठे वे साएं जिवे दो अंगलियां रलियां खली हजरत सुमैया कहन लगी के जिस वक्त सोने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा दीदार होया मैनू पीड़ा सारिया भूल गईया इन्हें ही है उस औरत दे बारे भी अल्लाह दा कुरान क्या फरमांदा है ज़रबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना कफरू इमरअत नूहिन व मरअत लूत कानत तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अनुहमा मिन अल्लाह शैया वकील दुखुल अल्लार माद मैं तो मलूम होता शाम हो गई है
आज थकत रहे वदा। अल्लाह दे कुरान ने दो किस्म दियां औरतां दा जिक्र फरमाया। अच्छा मैनू ये दसो, कुव्वत बर्दाश्त दी सूरत दे अंदर मर्द औरत ज्यादा मजबूत होंदा है के नहीं? औरत थोड़ी जी नरम दिल होंदी, नाजुक मिजाज होंदी, इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालो कव्वामून अलन निसा, के औरतां नालों ज्यादा मजबूत और कुव्वत बर्दाश्त मैं रब ने अर्रिजाल मर्द नूं नसीब फरमाई है। और समझ रहे हो, अब बाजे बाजे तुसा ते मैं किसे नाल कवड़ी पवां तां उहनूं आखदा तू के समझिया मैं चूड़ियां पाई वदा, अध्ययन तू के समझिया मैं चूड़ियां पाई वदा, मतलब है कि तू मैनू एडा कमजोर समझे। मगर अल्लाह मुमिना मुवहिदा मुस्लिमा औरत दा कुरान च जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह, औरत दी इस्तकामत दा जिक्र फरमा के आ जेड़े तुस बैठे हो ना, ये अल्लाह तुहानू गैरत पे दिवाईना है, सुभान अल्लाह, तुस तां मर्द हो, वेखो औरत हो के मैं रब दे दीन ते कैसा मजबूत पहरा दिता है। जे तू इंज ने ना कर सकदा तो वाला अपने आप नु मर्द हूं नहीं भूलेंदे। हालत तो साड़ी अगे ही पतली है, दूई बारी बंदा साल च मंगे ते अगली इथां ही आंदा है, हल्का होया बैठा है। अल्लाह अल्लाह, ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين। अल्लाह फरमांदा है नूह ते लूत अलैहिम सलावात व सलाम मेरे मासूम पैगंबर, मगर उन्हां दियां घर वालियां ने अल्लाह दा हया अल्लाह दे सिफात ईमान नहीं लियांदा, तां नतीजा के निकलिया? अल्लाह फरमांदा कील दुखुल नार, उन्हां नूं मैं अल्लाह ने हमेशा दा जहन्नम दा बालन बना छोड़िया। क्यों? क्योंकि रहमत दे के मैं रब पैगंबर नो भिजेंदा, जद उन्होंने मेरे पैगंबर को रहमत हासिल नहीं की ते रहमत ता मिलनी आई। फअम्मल लजीना आमनु बिल्ला, जे दिल दे अंदर तौहीद पैदा हो जावे, जे मन लवे ना खुशियां ते गमियां दा मालिक कौड़े, उजरण ते वसावण वाला कौड़े, दुख ते सुख देवण वाला कौड़े, धीआं ते पुत्रां दे वी फैसले करण वाला कौड़े, मगर ए कबरां ते ढांदा रिहा है, जंडियां ते ढांदा रिहा है, तवीज़ां ते रखण ते भुखां ते बेईमान ढांदा रह गया है। लिहाजा इहदे उत्ते मैं रब दी रहमत नहीं आई। ते उत्ते वेखो वक्त दा फिराउन ने कहिंदे उत्ते मैं रब दियां लालता वसदियां ही रह वेंदियां, मगर जे मैं रब चाहवां ता अपनी रहमत वंडण ते आवा, ता फिराउन दी घरवाली आसिया नूं वी रहमत च देवा, क्योंकि उसने भी मनिया है मेरा खामद रब नहीं है बल्कि रब कौन है? रब ना
رب ہویا ہے جڑا زمین و آسمان دیا بن منگیاں پوریاں کرن والا ہے او دے دل وچ وسن والا کون اللہ فرماندا ہے ول ویکھو بھاویں کافر دی وی گھر والی آئے مگر او دا ایمان میں رب نو ایڈا پسند آئے کہ ہزار سال دا پہلے دا واقعہ آئے مگر او دے بول میں رب نو ایڈے چنگے لگے لوں کہ اس دے بولا نو ہی قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نظر فرما چھوڑے آئے سبحان اللہ بڑے ہزاراں سال پہلے دا واقعہ گزرے مگر اللہ نے ویکھ لو اس واقعہ نو قرآن دی صورت وچ لوہے محفوظ وچ محفوظ فرما دیتا کیوں کہ آخر سونے محمد دی امت دے اندر وی دھیاں بہناں نے ہونا ہے انہاں نو اس عورت مؤمنہ دا واقعہ سنا کے انہاں نو دسیے کہ عزت تے غیرت تے حیا لیاں انج دیاں عورتاں ہوندیاں جیویں آسیہ نے زندگی گزار کے دکھایا ہے سبحان اللہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ساڑیاں نو تا پٹھے وڈھن تے پٹھے کرن ہی چوں نہیں فرصت ملدی یہ لیبراں دے نال لے کے گیا ودا ہوندا ہے ٹھیکے مکائی ودا ہوندا ہے مزدوریاں دیاں تے عورتاں نو نال لے کے گیا ودا ہوندا ہے اے تو ڈنگور ہے یا انسان ہے انسان دی شرم و حیا دی چادر رب نے قرآن دے اندر پردے دی صورت وچ نازل فرمایا ہے پردہ کرا مگر اے ادائے موت کے کرا سا جٹاں دا مڑ ماحول ہی ہے اے جلے پولے لگ سے نہ جہنم وچ اس لے تینوں ماحول دا چیتا سی یہ کوئی چھوٹا جیا گناہ نہیں ہے بے پردگی کرنا سونا محمد جیسا دنیا تے آونا ہے بولو یا مگر او سونا محمد بھی اپنی مسلمہ موحدہ صحابیہ کو لکے کر دے بولو جس دی نظر اچ نہیں ری رامت ہے مگر او پیغمبر بھی کے پہ کر دے پردہ پہ کر دے اللہ دے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی سب تو بہتر دور گزریا ہے تا میں محمد دا دور گزریا اتنے اعلیٰ دور دے اندر خود محمد پاک بھی پردہ کرائے تے اج دے حالات تینوں کش لکی پئی ہے بولو یار ایتھے پئی ہوئی جتی محفوظ نہیں ہے محفوظ ہے کوئی نہ جس اسلامی معاشرے دے اندر مسلمان دی جتی محفوظ نہیں اتھے دھی تو محفوظ ہو سی جتھے واٹر کولر دے نال پلاسٹک دا بدھا ہویا 50 روپے دا گلاس نہیں محفوظ اس نوں وی جنجیر نال کے رکھے ہوئے بند کے رکھے حالانکہ گلاس نوں کوئی پیر لگے ہوئے بدھا کیوں پیا ہے خطرہ کی نہ تو ہے مسلمان نہ تو ہے ہسو نہیں میں تا نہیں کردا مگر اپنے ہاتھ نال پٹھا تے پھیرو منہ تے مسلمان سڑاؤ تے اپنی عادتاں سن کے خوش ہو کے ہسو اے افسوس دا مقام ہے مسلمان تے پھر او دی سہولت واسطے گلاس رکھے ہے مگر او اپنی سہولت تو بھی فائدہ ناجائز اٹھائیدا ہے اس نوں اخیر حالانکہ گلاس 50 دا ہوندا تے 250 دا جنجیر لاونا پوندا ہے 50 دی جنجیری ملدی ہے مگر او وی محفوظ نہیں رہندا اور میں تانوں حقیقت دسیندا پیا کچھ تے بیت الخلا لیٹرینا ایسی ہیں جتھے لوٹے ہی بدھے پئے ہوندے نے بھئی او وی کوئی کھول کے نہ لے مسجد دیاں ٹوٹیاں محفوظ نہیں ہیں مسجد دیاں تھوڑی جی کنڈ ولاؤ نہیں تو 5-7 ٹوٹیاں جداں خدا دا گھر محفوظ نہیں ہے تو کے سمجھ کے دین کلیاں بازار گلے لائے اللہ اکبر کے سمجھ کے تے کلا یونیورسٹی چھوڑ کے آنا ہے
तू समझे ना जो मैं प्यो हाँ तो मैं छोड़ी अमना ते ले ही आना ते जेड़े बाने च तू ढकी आना उत्थो दे हालात दा तैनू पता कोई नहीं। तो बाहर हाल मकसद ये है कि अल्लाह करीम ने अपनी चाहत नाल इस इंसान नू सोहना बनाया है। ते अल्लाह फरमांदा है इहदा नक्शा जदों मैं बनावण लगा ना ते मैं वेख्या है बे इस इंसान दा नक्शा शकल सूरत केड़े ढांचे दे विच ज़्यादा सोहनी लगदी है ते अल्लाह फरमांदा माशा मैं सारे नक्शे बना के जेड़ा मैनू सोहना लगा है उससे नक्शे दे मुताबिक मैं तेरी सूरत बना छोड़ी है। ते अल्लाह ने वल तेरे मेरे वास्ते रहमत भरिया कुरान दुनिया ते भेजिया ताकि इसकी जिंदगी दे अंदर हमेशा रहमत रहे हुसन व जमाल इसका बरकरार रहे इहदी इज्जत नूं दाग ते धब्बा कोई ना लगे। ते जे तू वत भी अज रब दे कुरान नूं कंड करें ते दुनिया दे हर पासे बुथाड़ चाई रखें ते इस च तेरी अपनी बदकिस्मती बदनसीबी है। रब ने तेरी जिंदगी दे अंदर रहमत नूं भरने च कोई कसर छोड़ी। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।